पन्नगे चे सुरेंद्रे चे कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राई गणान अच्चय। दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राई गणान अच्चय एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। हमारी दुनिया में नित्यता भी है और अनित्यता भी है। जो अमूर्त पदार्थ हैं वे तो मोटा मोटी रूप में नित्य होते हैं। नो इंद्रियगिज्ज अमुत्त भावा भी हो इनित्यो। जो अमूर्त भाव वाले पदार्थ हैं जैसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय जीवास्तिकाय ये चारों अमूर्त अस्तिकाय हैं, तो ये अर्थ पर्याय की बात को गौण कर दें तो मोटा मोटी नित्य होते हैं। तो जीवास्तिकाय में आत्मा भी है, तो आत्मा नित्य है। इस रूप में नित्य है कि आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं उनको कोई छिन्न भिन्न नहीं कर सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। तो आत्मा इस रूप में नित्य है कि जो असंख्य प्रदेश का पिंड है वो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। तो जैसे आत्मा हर आत्मा नित्य है इस रूप में, तो धर्मास्तिकाय भी नित्य है, अधर्मास्तिकाय भी नित्य है, आकाशास्तिकाय भी नित्य है। आचार्य भिक्षु की संभवतः तेरे द्वार में जो भाषा है, चारारी पर्याय पलटे नहीं, एक पुद्गलरी पर्याय पलटे, चारारी पर्याय पलटे नहीं, यह तेरा द्वार का एक वाक्यांश संभवतः है। बहुत वर्षों पहले तेरा द्वार कोई याद किया था, आज से कोई 50 वर्ष लगभग पहले तेरा द्वार याद किया था मुनिश्री संभवतः सोहनलाल जी स्वामी के निश्रा में वो तेरा द्वार याद किया। उसकी पंक्ति थोड़ी भाषा दिमाग में आ गई, आ जाती है कभी कि ए चारारी पर्याय पलटे नहीं, एक पुद्गलरी पर्याय पलटे। तो पर्याय परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब फिर नित्य है। ठीक है, यह बात है, वो व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से मानी जा सकती है, अर्थ पर्याय तो मान लें धर्मास्तिकाय आदि में भी हो सकती है। तो मोटा मोटी कोई परिवर्तन इनमें नहीं होता है। तो जीव है उसके प्रदेशों का विनाश नहीं होता, पर परिवर्तन इस रूप में हो सकता है कि वह असंख्य प्रदेशों का पिंड आज हाथी के शरीर में है, वो भविष्य में कभी या पहले अतीत में कभी कुंथू के शरीर में भी वो आत्मा समाविष्ट हो जाए। 500 धनुष जितनी लंबीर वो जो आत्मा है एक चिंटी में भी समाविष्ट हो जाए। और तो क्या, इतनी सी आत्मा जो शरीर में है वो कभी पूरे लोक में फैल जाए। इस रूप में आत्मा का परिवर्तन हो सकता है, जो मनुष्य के शरीर में है वो कभी देव के शरीर में हो जाए,
कभी त्रियंच के शरीर में हो जाए, कभी नारक के शरीर में हो जाए, इस रूप में आत्मा का परिवर्तन तो हो सकता है। पर जो आत्मा है का दो प्रदेश कम हो जाएंगे, एक प्रदेश भी कम नहीं होगा, का थोड़ी प्रदेश बढ़ा देंगे, एक प्रदेश कोई बढ़ा नहीं सकता। इतनी स्थिरता है कि जो असंख्य प्रदेश हैं उनमें एक भी नया जुड़ नहीं सकता, उनमें एक भी कम हो नहीं सकता। यह आत्मा की अवस्थिति है और यह उसकी नित्यता है। तो शरीर का तो परिवर्तन होता है, शरीर एक पर्याय है। गीत में बड़ा सुंदर कहा गया है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह, आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग। तो यह आत्मा की नित्यता भी हो गई और अनित्यता भी हो गई कि आत्मा में वो शरीर का परिवर्तन भी होता है, कभी मनुष्य का शरीर, कभी देव का शरीर, कभी और कोई शरीर। तो शास्त्र में कहा गया है कि दुम पत्त ए पंडुय ए जहा, एक वृक्ष का पत्ता, पान, पका हुआ पान होता है, निवड़ई निपतति गिर जाता है, रात्रि समूह बीतते हैं वो पत्ता पेड़ का गिर जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है कि मनुष्यों का जीवन भी कभी न कभी समाप्त हो जाता है। इसलिए करना क्या चाहिए, क्या ध्यान दें, तो गौतम के नाम संदेश है, समयम गोयम मापमाय ए, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो, असंयम प्रमाद इन चीजों में मत रहो, प्रमाद मत करो, अप्रमाद में रहो। क्योंकि यह तो देखिए एक श्लोक है, हमारे संत लोग भी हैं, साध्वी जी भी हैं, एक यह श्लोक है, ठीक है ना। अब इस श्लोक पर हम थोड़ा ध्यान दें कि मूल संदेश तो एक चरण में आ गया, समयम गोयम मापमा, ये मूल संदेश जो है भगवान का, मान लो उपदेश है, वो एक चरण में आ गया, ठीक है, कि प्रमाद मत करो समय मात्र भी, यह उपदेश आ गया, एक प्रतिज्ञा हो गई या संदेश हो गया। अब प्रश्न, क्यों नहीं करें प्रमाद, प्रमाद क्यों नहीं करें, तो हेतु कारण, वो कारण दिया गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए, कारण मूल मनुयान जीवियम, मनुष्यों का जीवन है वो अनित्य है, इसलिए प्रमाद मत करो कि मनुष्यों का जीवन शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, आगे जाना है, इसलिए जागरूक रहो, प्रमाद मत करो। तो चौथे चरण में क्या आया है, प्रमाद नहीं करने का मूल संदेश, एक श्लोक का मूल तत्व इसमें आ गया, समयम गोयम मातमाये, क्यों नहीं प्रमाद करना चाहिए कि मनुयान जीव, मनुष्यों का जीवन है वो अनित्य है, निपतति गिर जाता है। तो उदाहरण से बात को समझाओ, कैसे गिर जाता है, तब मान लो
दुम पत्त ए पंडु ए जहा निवड़ई राय गणान अच्छय। जैसे वृक्ष का पत्ता नीचे गिर जाता है रात्रि समूह बीतने पर, वैसे ही मनुष्यों का जीवन एवं मनुयान जीवयम निवड़ई या निवड़ई को वापिस ले लो, एवं मनुयान जीवयम निवड़ई, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी गिर जाता है, समाप्त हो जाता है। इस एक श्लोक में चार चरण हैं। चौथे चरण में मूल संदेश आ गया। मूल संदेश क्या आ गया? समयम गोयम मापमाय। अब यह संदेश क्यों? कि मनुयान जीवयम निवड़ई, मनुष्यों का जीवन गिर जाता है, समाप्त हो जाता है, इसलिए प्रमाद मत करो, जागरूक रहो। कि निवड़ई कैसे? सरलता से समझाने के लिए, बच्चों के भी थोड़े जल्दी समझ में आ जाए, अज्ञान कम पढ़े लिखों के, तो उदाहरण दे दिया। दुम पत्त ए पंडु ए जहा निवड़ई राय गणान अच्छय तहा, है ना, एवं यानी तहा, एवं मनुयान जीवयन। तो यह उत्तर ध्यानानी का एक दसवें अध्ययन का पहला श्लोक है। हमारे संत लोग बैठे हैं, कभी याद हो गुरुदेव तुलसी खड़े खड़े पश्चिम रात्रि में मुनि दिनेश जी को याद हो सकता है, गुरुकुलवास में रहे हुए बहुत ज़्यादा रहे हुए हैं, तो गुरुदेव तुलसी अजित जी को भी याद हो तो पता नहीं, साथ थे खड़े खड़े गुरुदेव तुलसी, कई बार आलोक जी को याद, इन दिनेश जी पुराने हैं, अजित जी पुराने हैं, ये कम, तो खड़े खड़े मैं भूल न करूँ तो पश्चिम रात्रि में दसवां अध्ययन का स्वाध्याय करते। तो दसवां अध्ययन है एक प्रमाद से बचने की प्रेरणा देने वाला संदेश है। तो हमारे छोटे कई संत हैं और हैं, दसवां अध्ययन अगर याद रहे, बाकी तो बहुत ही ज्ञान के अध्ययन है, छोटा सा दसवां अध्ययन छोटा सा तो है ही, एक चरण तो मोटा मोटी वो का वो है, तो याद करना इजी है कि एक चरण तो करीब करीब वो का वो है, तीन चरणों में मान लें परिवर्तन है, तीन चरणों में कई समान से, पांच इंद्रियों के हैं परिजू रही थे शरीर यम के सा पंडुरिया हवंत से, तो कई श्लोकों में तीन तीन चरण ज्यादा समान से हो, तो एक दसवां अध्ययन याद रहे। हमारे साध्वी जी और भी हैं, कई साध्वियां अभी आई नहीं है, दसवां अध्ययन कंठस्थ रहे, तो मौके मौके पर चितारणा कर लें, गुरुदेव तुलसी का अनुकरण कर सकें तो यथासंभव या थोड़े खड़े खड़े भी कर लें। तो यह एक अच्छा संदेश देने वाला है। गौतम के नाम संदेश, छोटे मोटे व्यक्ति के लिए संदेश नहीं दिया गया है, गौतम के नाम से दिया गया है, मानो मोटा मोटी सबके लिए दिया गया, हम मान लें हमारे लिए दिया गया है। तो समयम गोयम मापमाय, यह जीवन मनुष्यों का है वह अनित्य है, अशाश्वत है, तो अशाश्वत है यह तो है ही, अप्रमाद मत करो, यह प्रेरणा यह संदेश खास है, हम इसको जितना ज्यादा पकड़ सकें। आज चतुर्दशी भी है, संभवतः है चतुर्दशी हमारे हाजरी का भी दिन होता है, तो यह साधुत्व जो हम जिसको साधुत्व मिल गया है, दुनिया की बहुत बड़ी चीज उस आदमी को मिल गई है जिसको साधुत्व मिल गया, संन्यास मिल गया। दुनिया में बढ़िया से बढ़िया कोई भौतिक चीज हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, बहुत ज्यादा कीमती हो, वो चीज सामने ला करके रख दे, कोई कह दे महाराज संन्यास छोड़ दो और ये ले लो आप, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, संन्यास के सामने वो भौतिक चीज है ना कुछ जैसी है, वो ना चीज जैसी है साधुत्व के सामने। दुनिया में और कोई चीज पैसों से कोई खरीद ले, पर साधुत्व है वो पैसों से कैसे खरीदा जाए, एक सामायिक भी पैसों से खरीदनी मुश्किल हो जाए,
या असंभव हो जाए तो साधुत्व को तो पैसों से खरीदा भी कैसे जा सके। तो चतुर्दशी जो हाजरी का दिन होता है तो हमारे लिए तो यानी जो साधु हैं वे तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली आदमी हैं। कोई कह भी वो आदमी बड़ा पुण्यवान है, भागी है, इतना बड़ा पद पर आ गया, राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, वो बन गया, वो बन गया, राजा बन गया, बहुत बड़ा भाग्यशाली है। ठीक है, भाग्यशाली हो सकता है, पर मैं तो सोचता हूँ साधु ज़्यादा भाग्यशाली है। बड़े से बड़ा राजा है उससे भी साधना के संदर्भ में साधु ज़्यादा भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है कि राजा है मान लो वो तो पुण्य के उदय से मान ले हैं, साधु खियोपसम के योग से है, तो पुण्य के उदय की अपेक्षा खियोपसम ज़्यादा बड़ी चीज है। साधु इसलिए ज़्यादा भाग्यशाली है वो अमूर्त भाग्य से युक्त है, राजा मूर्त भाग्य से युक्त है। पुण्य तो मूर्त है, खियोपसम अमूर्त है, तो साधु अमूर्त भाग्य वाले होते हैं। साधुत्व की दृष्टि से राजा आदि मूर्त भाग्य वाले, पुण्य जो रूपी होता है उस भाग्य वाले होते हैं। तो अमूर्त भाग्य वो जिसको प्राप्त है उस अमूर्त भाग्य की तुलना मूर्त भाग्य के साथ कोई कर ले तो कर ले, पर बहुत बड़ी चीज है मूर्त भाग्य की अपेक्षा अमूर्त भाग्य। हालांकि तुलना तो की गई है कि मुनि साधु साधु राजा की तरह होता है, वो तुलना भी ठीक है एक संदर्भ में है कि मही रम्या सैया विपुल मुपधानम भुजल बितानम चाकाशम गजन मनुकुलो यमन मनिल है शरचंद्रोदीपो बीरति वनिता संग मुदित है सुखी शांत है शेते मुनि रतनु भूतिर नृप इव। तो यहाँ त्याग और भौतिकता की तुलना एक समानता दिखाई गई है कि राजा के पास भौतिक चीजों का आनुकूल्य है, साधु के पास त्याग यो मान लें एक और राग हो सकता है या भौतिकता है, एक और आध्यात्मिकता है, त्याग है। तुलना कैसे की गई, कबीर साधु तो राजा की तरह है कि राजा की तरह कैसे है, राजा के तो बढ़िया पल्यंक होते हैं सोने के लिए, साधु के पास कहाँ पल्यंक है। हमारे कोई संतों के ठिकानों को रात में आकर देखें, संतों को संत कहाँ सो रहे हैं, कितनों के पास पल्यंक है, संतों के पास कितने संत यों धरती पर सोए हुए हैं, और वर्तमान में तो संभवतः धरती पर ही संतों में तो धरती पर कोई ऐसे भी नहीं है अभी वर्तमान में वृद्ध संत जिनको पाटा जरूरी हो संभवतः, तो संतों में तो अभी एकदम मही रम्या सैया वाले हैं। मही रम्या किस राजा पल्यंक पर सोता है सैया पर, साधु के लिए मही या धरती रम्या सैया धरती पर साधु सोता है। और राजा के तो बड़े सिराने और रहते हैं, सिराने लगे हुए, साधु के कहाँ है भुजलता, ओ ने तो ये यो भुजा को नीचे लगा लो माथे के नीचे सो जाओ बस आराम से सो जाओ। हालांकि छिराना भी होता होगा संतों के पास रहे ऐसे भी सो सकते हैं। और चंदोवा और कभी आकाशी चंदोवा है जो भी कि पंखा कहाँ, राजा के तो पंखे चलते हैं साधु के पंखा कहाँ। अनुकूलो ये मनिले सहज हवा चले रात में, हालांकि अपवाद आदि की बातें छोड़ दें वर्तमान में तो सहज हवा चले वो संतों के लिए मानो पंखा है। शरत चंद्रो दीपो की राजा के तो दिए वगैरह जलते हैं महल में, मान लो कभी संतों के दिए क्या
चंद्रमा, चंद्रमा की चांदनी वही दिए का प्रकाश मान लो। ऐसी बातें जो है तो साधु को राजा की तरह बताया गया, पर यह तुलना है, ठीक है, तुलना कवि ने की है तो कोई गलत नहीं की है, ठीक ही है, परंतु राजा मूर्त भाग्य वाला है एक संदर्भ में, साधुत्व अमूर्त भाग्य वाला है। तो जो संन्यास है, साधुत्व है, वो प्राप्त हो जाए, दुनिया की कोई भी चीज आ जाए, साधुत्व के सामने वो ना कुछ जैसी संभवतः प्रतीत होने वाली होती है। तो ये चतुर्दशी है, वो उस संन्यास, उस साधुत्व के संदर्भ में मानो कुछ प्रेरणा देने वाली बन सकती है। तो पांच महाव्रत हमारे हैं, वो क्या हीरे, कितने कीमती कह दें, अमूल्य हीरे हैं वो पांच महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांच महाव्रत हैं। ऐसे हीरे हैं, उन्हें अमेरिका में ऐसे भौतिक हीरे इनके समान कोई मिल पाएंगे, बॉम्बे में तो संत लोग जाकर के आए हैं, ऐसे हीरे संतों को कहीं मिले ही नहीं होंगे कि साधुत्व के समान कोई हीरा किसी ज्वेलरी की दुकान में मिलता हो। तो ये हीरे जो साधु के हैं, पांच हीरे, दुनिया की बहुत बड़ी अमूल्य चीज, कीमती चीज या अमूल्य चीज है, ये साधु के महाव्रत हैं, पांच हीरे हैं। तो हमने जब मान लो ये दीक्षा ली, बड़ी दीक्षा ली, मान लो पांच हीरे मिले हैं, बस ये हीरे ऐसे मिल गए हैं, अब दूसरे हीरों की जरूरत ही न रहे, बस ये हीरे हमारे सुरक्षित बने रहें और ज़्यादा गरिमापूर्ण बने रहें, बन जाएं, यह काम्य है। तो मेरी बात का सारांश है कि यह जीवन मनुष्यों का अनित्य है, इसलिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। यह संदेश उत्तरध्यायिनी के दसवें अध्ययन का है, और ये साधुत्व के हीरे, पांच महाव्रत रूपी हीरे हैं, इनके समान दूसरा कोई भौतिक हीरा संभवतः दुनिया में मिल नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो हम जिनके पास ये पांच महाव्रत रूपी हीरे हैं, इनकी सुरक्षा करने का भरसक प्रयास या ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रखें, यह काम्य है।